गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इसी वी बी डॉट नेट लर्निंग सीरीज में आज हम सीखेंगे कोडिंग करना कोडिंग की इस वीडियो से पहले आपको वी डॉट नेट की आई वीडियो को ध्यान से देखना होगा उससे पहले वी डॉट नेट में वेरिएबल डिक्लेरेशन कमेंट्स, ऑपरेटर्स और डेटा टाइप्स भी समझाए गए हैं इस लर्निंग सीरीज़ की सभी वीडियो को प्रीवियस वीडियो को देखने के बाद हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू डू द कोडिंग इन वी वी डॉट नेट प्रीवियसली वीडियो में हमने कंसोल एप्लीकेशन और विंडो एप्लीकेशन के बारे में जाना था तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी कोडिंग कंसोल एप्लीकेशन से जब आप विजुअल स्टूडियो 2010 8 इंस्टॉल करके कंसोल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमें कुछ इस स्टाइल से कोडिंग करनी है ये है हमारी कोडिंग स्टाइल इन कंसोल एप्लीकेशन कंसोल एप्लीकेशन में कोडिंग स्टार्ट करते ही ये मॉड्यूल हमें शो हो रहा है इस मॉड्यूल में सबसे पहले हमने डिम वेरिएबल से वेरिएबल इनिशलाइज़ किए हैं इस प्रोग्रामिंग को समझने के लिए मैंने यहाँ पे इफ़ एल स्टेटमेंट का एग्जाम्पल लिया है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन कंसोल डॉट राइट लाइन स्क्रीन पर मैसेज को प्रिंट करने के लिए हमने कंसोल डॉट राइट लाइन यूज़ किया है जैसे कि हम सी में प्रिंट लेते हैं सो so, ये हमारा सिंपलेस्ट एग्ज़ाम्पल है किसी भी कंसोल एप्लीकेशन या मॉड्यूल को रन करने के लिए इसी एग्ज़ाम्पल में मैंने ऐड किया है कंसोल डॉट रीड लाइन ये कंसोल डॉट रीड लाइन यूज़र से इनपुट लेता है इट सिंपली होल्ड द स्क्रीन तो कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट द मैसेज टू द कंसोल स्क्रीन पर मैसेज को प्रिंट करने के लिए एंड कंसोल डॉट रीड लाइन यूज़र से इनपुट लेने के लिए या फिर स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को पॉज करता है यानी जब तक हम एंटर क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो आगे प्रोग्रामिंग नहीं चलेगी या अपडेट नहीं होगा इसी इफ़ एज स्टेटमेंट को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस दे सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन एक बार फिर से देख लेते हैं हमारा कोडिंग टेम्पलेट मॉड्यूल मॉड्यूल वन सब मेन यहाँ पर हमारा कोड आएगा देन हमारी कंसोल डॉट रीड लाइन स्क्रीन को होल्ड करने के लिए देन एंड सब एंड एंड मॉड्यूल सो कोडिंग करते वक्त ये कोडिंग टेम्पलेट की लाइन्स फर्स्ट टू एंड लास्ट टू लिखी हुई होती है यह एनवायरमेंट हमें कोडिंग टेम्पलेट प्रोवाइड करता है नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं रीडिंग इनपुट्स फ्रॉम द यूजर एट द रन टाइम रन टाइम पे हम यूज़र से वैल्यू इनपुट करवाएंगे इन फर्स्ट टू लाइंस हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं डिम नेम डिम एज नेक्स्ट स्टेटमेंट कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर नेम ये इस मैसेज को कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट करवाएगा कंसोल डॉट राइट लाइन नेक्स्ट लाइन इनपुट इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन इनपुट ले रहा है स्क्रीन को होल्ड करके कंसोल डॉट रीड लाइन इज फॉर होल्डिंग द स्क्रीन सेम इसी तरीके से हमें नेम के साथ साथ एज भी प्रिंट करवानी है तो कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर एज बिकॉज हमारी एज का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है बट जो हम इनपुट ले रहे हैं वो एज अ स्ट्रिंग ले रहे हैं तो उसके कन्वर्जन के लिए हमने यहाँ पे इंटीज़र डॉट पास ये हमारा मेथड है कन्वर्जन करने के लिए इट कन्वर्ट दी स्ट्रिंग इनपुट टू द इंटीजर एज तो इंटीजर डॉट पार्स से हमने स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट किया है इंटीजर वैल्यू में इंटीजर डॉट पार्स मेथड से देन कंसोल डॉट राइट लाइन जो हम प्रिंट करवाएंगे एट द रन टाइम पर वो प्रिंट करेगा देन कंसोल डॉट राइट लाइन एट द एज यानी जो हम रन टाइम पर प्रिंट करवाएंगे वो प्रिंट करेगा प्रिंटिंग इट विल अगेन होल्ड द वैल्यू वाई बिकॉज वी हैव रिटर्न कंसोल डॉट रीड लाइन ये हमारी कंसोल स्क्रीन है इस पर हमारा output है, name, name age, age time, ये हमारा आउटपुट है एंटर नेम हमने नेम डाला एंटर एज हमने एज डाली देन एट द रन टाइम इसने शो किया नेम एंड एज ये हमारा बी डॉट नेट का बेसिक कोडिंग मेथड कंप्लीट होता है